सिविल सर्विस डे जो है वो आप लोगों का ही दिन है, आप लोग एंजॉय कर रहा होगा, मगर मैं देख रहा हूँ अभी काफ़ी थक भी गया लग रहा है आप लोग। इनफैक्ट सिविल सर्विसेज डे जो है हम लोगों का बहुत अच्छा से मनाना चाहिए। लास्ट टू ईयर्स में हम लोग कोविड के कारण से उतना मना नहीं पाया, बट आई प्रपोज नेक्स्ट जो ईयर में सिविल सर्विसेज डे होगा तब से आप अच्छा एक इवेंट आप लोग ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग सिविल सर्विसेज से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं एंड इट शुड बी अ वेरी इवेंटफुल, क्योंकि आज ही के दिन में आप लोग रिट्रेट करते हैं कि आप लोगों का जो सर्विस है आप जनता के लिए रीडेडिकेट करेंगे विद ए न्यू एनर्जी, नया जोश के साथ में, नया ताकत के साथ में। तो आज आप लोगों का दिन तो एकदम बहुत बढ़िया होना चाहिए। कुछ आप लोगों का ऑफिसर्स ग्रुप में और सिविल सर्विसेज में बहुत सारा अच्छा टैलेंट्स भी है, कोई लोग कल्चरल प्रेजेंटेशन भी कीजिए, गाना गाइए, कोई बहुत अच्छा स्पोक्स पर्सन भी है तो वो लोग आके मोटिवेटिंग स्पीच भी दीजिए, बाहर से कोई अच्छा स्पीकर्स को भी बुलाइए। इट शुड बी कम्प्लीटली वन डे बहुत इवेंटफुल, ताकि आप लोग उस इवेंट के बाद में जब वापस अपना घर जाएंगे और ऑफिस में जब जाएंगे तो एक नया एक ऊर्जा हुआ एक तो शक्ति महसूस करे। सो इसी के साथ मैं अपना ऑनरेबल DCM साहब को धन्यवाद दूंगा देता हूँ कि इन्होंने अपना स्पीच में बहुत डिटेली, क्योंकि काफ़ी सीनियर है इनका, काफ़ी लंबा पॉलिटिकल करियर रह चुका है, बहुत ही एक्सपीरियंस है अरुणाचल को बहुत ही बैकवर्ड जमाने से लेके अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन होके अभी चल रहा है उसका पूरा विटनेस वो कर चुका है। तो आज इस ओकेजन में DCM साहब ने खास करके जो उस जमाने के जो ऑफिसर्स को याद किया है वो बहुत ही अच्छा, मैं भी कॉम्प्लीमेंट्स देता हूँ DCM साहब को और मैं भी अपना सरकार की ओर से अपने ओर से स्टार्टिंग फ्रॉम ड्यूरिंग द नेफा टाइम्स जो IFAS ऑफिसर से लेके जितने भी जो सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स जो अरुणाचल को सर्व किया नेफा से लेके स्टेटहुड तक का जो जर्नी में जो अचीवमेंट जो हम लोग ने किया है अरुणाचल एज ए होल, तो सभी लोग ने जो योगदान दिया है अपना अपना कैपेसिटी में उसको भी मैं आज याद करते हुए उन सभी सिविल सर्विसेज को स्टेट गवर्नमेंट की ओर से और अरुणाचल की जनता की ओर से ढेर सारा मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अभी आज का सिविल सर्विसेज डे हम सब के लिए बहुत ही अच्छा एक ओकेजन है, क्योंकि हमारा अरुणाचल में दो सीनियर IAS ऑफिसर, एक तो अपना चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार साहब और अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजीव वर्मा साहब, एक ही ऑर्डर में यहाँ से दो अरुणाचल में सर्व किया हुआ ऑफिसर्स, फर्दर फिर दो लोकेशंस पर, एक दिल्ली में और एक पुडुचेरी में चीफ सेक्रेटरी बन के जाएंगे, तो हम सब के लिए बहुत ही गर्व का बात है। तो मैं दोनों ऑफिसर्स को, अपना चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जी और अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजीव वर्मा साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग दिल्ली और पुडुचेरी में भी अच्छा काम करके उस जगह को भी आप लोग और भी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करने में सरकार को मदद ज़रूर करेंगे। और मैं कल ही देखा कि बहुत सारा ऑफिसर्स अपना IAS और IPS में भी बहुत लंबा लिस्ट निकल गया, शायद बहुत सालों से MHA शायद पोस्टिंग नहीं किया इसलिए काफ़ी लंबा चौड़ा लिस्ट निकल गया, जिसमें से अपना राज्य के जो UT ऑफिसर्स हैं IAS और IPS वो लोग भी अलग अलग जगह में भी पोस्टिंग हुआ है, तो उन सभी को भी मैं न्यू पोस्टिंग के लिए बहुत बधाई देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि जो सर्विसेज उन सभी लोग ने जो अरुणाचल प्रदेश में रेंडर किया है, किसी ने 3 साल किसी ने 4 साल भी कर लिया, बहुत ही अच्छा एक लर्निंग एक्सपीरियंस था होगा और बहुत अच्छा उन लोग ने भी कंट्रीब्यूट भी किया होगा। और जैसे DCM साहब ने भी जो अपना स्पीच में जो कहा कि फर्दर जिस पोस्ट में भी वो लोग जा रहे हैं उस समाज के कल्चर के साथ में मिलकर, वहाँ के जनता के साथ में मिलकर अपना नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस में उन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। तो इस इवेंट में अभी आज हम लोगों के बीच में 2 प्रेजेंटेशन भी यहाँ पे रखा गया, एक कल्चर के ओर से और एक टूरिज्म के ओर से। और उससे पहले हम सब लोग ने विटनेस किया जो नया मैकेनिज्म जो आपका PAR यानी कि ACR जो पहले कहते थे उसका अभी नया रूप में स्पैरो सिस्टम में हम लोग ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और साथ साथ अपना NIC तीनों ने मिलके जो स्पैरो पोर्टल जो तैयार किया है, तो इस स्पैरो पोर्टल के माध्यम से आप लोगों का जो ACR में जो पहले जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहा था अभी उसमें नहीं आएगा। ऑल इंडिया सर्विसेज का पहले से ही सिस्टम है स्पैरो सिस्टम,
अभी हमारा राज्य सरकार ने इम्प्लीमेंट कर दिया, जो अपना पब्लिक अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से जो ऑफिसर्स आया है, APCS ऑफिसर्स, सभी लोगों के लिए अभी इसमें स्पैरो के साथ में जुड़ जाएंगे। तो आप लोगों का टाइमली जो भी प्रमोशन होना है, ये सब भी आई थिंक DPC जो आज सभी डिपार्टमेंट में एक तो एक पूरा जमा होके जो बंडल होके बैठा हुआ है, वो लोग धीरे धीरे स्पैरो से क्लियर होते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी वर्मा साहब ने और DCM साहब ने भी जो कहा कि यूथ आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, तो आप सभी जो यहाँ में बैठे हुए काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स लोग भी हैं यहाँ पे, तो आप लोग भी जब स्कूल्स में थे होंगे या कॉलेजेस में थे होंगे, तो उसी प्रकार से कोई लोग मोटिवेट किए होंगे कि यूथ आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। तो उसी को सुन के आप लोग भी शायद मन में एक कल्पना आया होगा एक कि देश को सर्विस देंगे हम, अपना राज्य को सर्विस देंगे। तो ऐसे करके आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करते हुए आज आप लोग रेस्पेक्टिव जो भी पोजीशन में है, तो वहाँ तक अभी आप लोग आके बैठा हुआ है। तो इस ट्रेडिशंस को आगे फिर कंटिन्यू करने के लिए आई थिंक आप लोग अभी सही जगह में है। यू शुड ऑल मोटिवेट द यूथ, जो अभी हमारा कल का जो भविष्य होगा। मैं तो हमेशा ऐसे भी बहुत जगह में बोल देता हूँ, इंक्लूडिंग माय ओन कलीग्स ऑनरेबल मिनिस्टर्स और ऑनरेबल MLAs को भी, और साथ साथ आपने जितने भी जो ऑफिसर्स हैं, कि आज हम लोगों के पास में वो कुर्सी में बैठा है जहाँ पे हम लोग पूरा डिलीवरी कर सकते हैं लोगों का जो प्रॉब्लम, लोगों का सॉल्यूशन, जगह को डेवलपमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हम लोगों के ऊपर में निर्भर होकर बैठा हुआ है। तो इस पोजीशन में बैठकर, इस कुर्सी में बैठकर अगर हम लोग काम नहीं करेगा, देन वन फाइन डे सबको तो रिटायरमेंट होना है, इंक्लूडिंग दी पॉलिटिकल लीडर्स, जितने भी जो ऑफिसर्स हैं, आपका एज आप जो टेन्योर खत्म हो जाएगा तो आपको भी रिटायरमेंट होना है। वापस हम लोग सोसाइटी में जाकर बैठना है। जो वापस सोसाइटी में जाकर बैठेंगे तो सरकार और सिस्टम का ऊपर में फिर आप उंगली करेंगे, हमें लगता है कि आप उस उंगली उठाने लायक का आदमी, मतलब आपको ये राइट्स जो नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि सवाल ये है कि हम लोग जो कुर्सी में था, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इटसेल्फ एंड ऑल द ऑफिसर्स और सभी सरकारी कर्मचारी जो तनख्वाह थापते हैं, हम लोग जब अपना रिस्पेक्टिव पोजीशन में था, उस वक्त में हम लोग ने क्या किया सोसाइटी के लिए? दिस इज अ बिग क्वेश्चन दैट वी शुड आस्क आवरसेल्फ। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिटायरमेंट लाइफ अच्छा हो, तो अभी से ही आपको रिस्पेक्टिव जो भी आप लोग डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए हैं, उसका हेड कर रहे हैं आप लोग, तो अभी से आप लोगों को डिलीवरी करना होगा। जो रिटायरमेंट होगा तो यू शुड गो विद प्राइड कि अपना टाइम में हमने ये काम किया है, बोलते तब जाके सोसाइटी है, राज्य है, तब जाके ग्रोथ प्रोसेस में और भी स्पीड अप हम लोग कर पाएंगे। मैं ये बोल के ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, काम बहुत अच्छा कर रहा है। स्पेशली हमारा जो टेन्योर पिछले करीबन 6 साल में हमने जो देखा, आप लोगों का बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा, सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स का, सभी स्टाफ्स का, आप सब ने कोऑपरेट करके तो इतना सारा हम लोग ने रिफॉर्म भी किया स्टेट को, फिर हम लोग ट्रांसफॉर्म भी हम लोग कर पाया। मगर और भी बहुत सारा चीज़ें और भी हम लोग कर सकता है। सो आई होप आने वाला दिनों में भी जो टीम अरुणाचल का जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग इसको और भी आगे हम लोग लेके जाएंगे। सो इन दिस ओकेजन हम सब लोग फिर अपना पब्लिक को सर्व करेंगे, अपना कमिटमेंट को हम लोग फिर रीडेडिकेट करते हुए हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। आज के इस ओकेजन में मैं स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के सेक्रेटरी संतोष कुमार राय और अपना चेयरमैन राजीव वर्मा साहब को भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेट देता हूँ, और उनके स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के सभी कर्मचारी ऑफिसर्स जिन्होंने बहुत मेहनत करके जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को इस पैरामीटर तक पहुंचाया, और इस बार 2021 का चीफ मिनिस्टर्स अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को मिला है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आप लोग वाकई ही यू ऑल डिजर्व दिस अवार्ड। तो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का जो इसका जो स्थापना जब हुआ है वे बैक इन 2018, तो मैं देखा कि अरुणाचल इज़ ए वेरी यूनिक स्टेट। अभी यहाँ पे बहुत सीनियर्स लोग हैं, बहुत एक्सपीरियंस लोग भी हैं। हमारा जो राज्य है वो पूरा देश में दूसरा राज्य का हम लोग तुलना नहीं कर सकता है, क्योंकि एक तो हो गया कि विद इन द नॉर्थ ईस्ट, हमारा नॉर्थ ईस्ट है जोग्राफिकली इट्स ए वेरी डिफिकल्ट स्टेट, हमारा फूडिल एरियाज को छोड़ के
जो माउंटेन जो डिस्ट्रिक्ट है इज़ वेरी डिफिकल्ट. और साथ साथ टू एड ऑन इन टू दैट डिफिकल्टीज, हमारा यहाँ पे इतना सारा ट्राइब्स है, यहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स, विभिन्न ट्राइब है यहाँ पे. सो इट्स अ वेरी यूनिक यूनिक स्टेट. मगर उस यूनिक जो हम लोग अभी चैलेंज के रूप में जो देखता है, उसको हम लोग अपॉर्चुनिटी के रूप में हम लोगों को अप्रोच करना चाहिए. कल्चर इतना वंडरफुल है, तो वाई नॉट वी प्रोजेक्ट टूरिज्म इन अ वेरी बिग मैनर कि अरुणाचल इज एन कल्चरल हब ऑफ 26 मेजर ट्राइब्स. इट्स ए विलेज ऑफ 26, हाउस ऑफ 26 विलेज ट्राइब. हमारे यहाँ के कल्चरल जो डाइवर्सिटी है, तो एक अट्रैक्शंस हम लोग को और भी क्यों ना बनाए. टूरिज्म डिपार्टमेंट ओवर द ईयर्स कुछ काम तो किया है, मगर प्रेजेंटेशन से हम लोग को और भी ये फील हो रहा है कि और भी बहुत चीज़ काम करना बाकी है. तो जो चैलेंजेस है उसको हम लोग अपॉर्चुनिटीज में हम लोग लेके आना चाहिए. और ऑनरेबल पीएम साहब के मार्गदर्शन पर अरुणाचल प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है वो बहुत अच्छा मिला है. लास्ट 7 ईयर्स में नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में जो कम्युनिकेशन सेक्टर में इतना अच्छा रोड्स बन गया है, हमारा पूरा तवांग से लेके अभी लोंगडिंग तक रोड्स का कंडीशन देखिए बहुत अच्छा हो रहा है. बीच में पुटिन टू पंकिन वाला में कुछ इश्यूज हुआ था, वो भी रिजोल्व हो गया. अभी वहाँ भी सब जगह में काम अभी तेजी से चल रहा है. तो एक बार कनेक्टिविटी सेक्टर को आगे बढ़ जाने के बाद में फिर बाकी डेवलपमेंट भी अपना लाइन पर आ जाएगा. लेकिन उन सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो आप लोगों का जो पोजीशन और आप लोगों का डेडिकेशन, दैट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. हम लोग एज एन पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, MLAs, वी आर जस्ट पॉलिसी मेकर्स. 5 साल में आएगा, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इलेक्शन होगा, कभी रिपीट होगा, कभी नया सरकार आएगा. आज ये पार्टी का गवर्नमेंट है, नेक्स्ट में कोई दूसरा पार्टी का भी गवर्नमेंट होगा. तो ये तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वो तो चलता रहेगा. मगर उस एंटायर सिस्टम में परमानेंट कौन है? परमानेंट हो गया अपना सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स, आप लोग उस सिस्टम में परमानेंट है. अगर आप लोगों का विल पावर तगड़ा होगा तो ये स्टेट और ये देश आगे क्यों नहीं बढ़ेगा. इसलिए आप लोगों को और भी सक्षम करने के लिए अभी बहुत सारा पैरामीटर होता है, तो उसको हम लोग को फोकस करना बहुत ज़रूरी है. जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग, इट प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग, वो हमेशा लोगों को अपना ऑफिसर्स को मोटिवेट करके रखता है, उसका फोकस अच्छा करके रखता है. उसका इवन ट्रेनिंग अच्छा करने से आपका माइंड एंड बॉडी भी आपका फिजिकली भी फिट होता है. सो आई थिंक कैपेसिटी बिल्डिंग में हम लोगों को और भी फोकस करते हुए उसमें काम करना बहुत ही ज़रूरी है. और साथ साथ आज दानी सालो साहब ने जो कल्चरल में भी जो प्रेजेंटेशन जो दिया है, अरुणाचल का जो कल्चरल डाइवर्सिटी है जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा, और DCM साहब ने भी उस सब्जेक्ट पर थोड़ा डिटेली बताया कि हम लोगों का ओरिजिनल जो कल्चर है उसको बचाते हुए विद मॉडर्निटी हम लोगों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए. एजुकेशन भी हम लोगों को चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए, बट अपना जो कल्चर, जो अपना जो रूट्स है उसको भी नहीं गंवाते हुए हम लोगों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए. इट्स ए वेरी बिग चैलेंज स्पेशली फॉर दी ट्राइबल सोसाइटी. मॉडर्निटी में आजकल देखिए अभी जो अपना ट्रेडिशंस को गायब होते जा रहा है मॉडर्निटी की तरफ. तो मॉडर्न तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ में जो नेगेटिव जो एलिमेंट जो आता है ये है कि मॉडर्निटी चाहने से अपना कल्चरल जो एज ओल्ड ट्रेडिशन जो कल्चर है उसमें इफेक्ट होने का चांसेस है. तो उसको बैलेंसिंग करके कैसे आगे बढ़े. और साथ साथ मॉडर्निटी के चक्कर में अपना जो सोसाइटी में जो ड्रग्स कल्चर जो हम लोग आज काफ़ी जगह में चर्चा करते हैं, वो भी काफ़ी तेज़ी से ड्रग्स कल्चर भी आगे बढ़ता है. सो दीस आर ऑल नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्निटी डेवलपमेंट. तो उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करते हुए और कल्चर को भी साथ में आगे बढ़ते हुए ड्रग्स कल्चर को ख़त्म करते हुए हम लोग मॉडर्निटी को आगे कैसे जाए. तो ये सब चीज़ का भी आप लोग का चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है. आज यहाँ पे सिविल सर्विसेज डे में भी मैं देख रहा हूँ कि 90% तो यहाँ पे अपना अरुणाचली जो इंडिजिनियस यहाँ के अरुणाचली ऑफिसर्स लोग ही यहाँ पे बैठे हैं. 10% अपना ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग यहाँ पे हैं. तो खास करके देखिए मेरा रिक्वेस्ट अपना जितने भी जो अरुणाचली ऑफिसर्स हैं, आप लोगों को ये रहेगा कि इस टाइम नाउ वी शुड टेक द ओनरशिप ऑफ आवर स्टेट. आप लोग सिर्फ जो बाहर से सीनियर ऑफिसर्स, नो डाउट सीनियर ऑफिसर्स जो IAS जो ऑफिसर्स आते हैं बहुत अच्छा काम करता है, मगर अभी सिस्टम थोड़ा सा ऐसे है कि 2 साल का ही टेन्योर मिलता है.
लकीली अपना अमित शाह जी ने थोड़ा सा टेन्योर एक्सटेंड कर दिया, वो बात अलग है, ताकि वो लोग यहाँ अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। तो मगर दो साल में फिर ऑर्डर निकल जाता है, फिर उनको जाना होता है। तो अरुणाचल इज सच ए बिग स्टेट कि हमें बिल्कुल श्योर है कि यहाँ पे जितने भी जो ऑफिसर्स बैठे हैं, आप सब लोग अरुणाचल का आज का 25 डिस्ट्रिक्ट है, 25 डिस्ट्रिक्ट में आप लोग भी टूर नहीं किया होगा आज तक। तो इस तरह का डाइवर्सिटी और जो चैलेंजेस काफ़ी है। तो अभी धीरे धीरे अपना जो ऑफिसर्स हैं अरुणाचली ऑफिसर्स, आप लोगों को और भी ट्रेनिंग में भी आप लोग मोटिवेट कीजिए, जो अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर है उसको अच्छा एक ट्रेनिंग कुछ चीफ सेक्रेटरी के साथ बात करते हुए कुछ बनाइए, अपना ऑफिसर्स लोगों को ट्रेनिंग कीजिए। यू शुड टेक द ओनरशिप ऑफ द स्टेट। जब तक यहाँ का ऑफिसर आप लोग ओनरशिप नहीं लेगा, तो आई बीइंग एन चीफ मिनिस्टर और जब भी बाद में भी जो भी चीफ मिनिस्टर आएगा, जो भी गवर्नमेंट आएगा, हम लोग भी कुछ ज़्यादा परफॉर्म कर नहीं पाएगा, बिकॉज वी आर एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन द सिस्टम एंड यू आर द सिस्टम। जब तक आप रिफॉर्म करके आप लोग ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, हम चाहे जितने भी पॉलिटिकल विल दिखाओ, उतना उस स्पीड में जा नहीं पाएगा। अभी थोड़ी देर पहले स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का जो जो उसका जो फाउंडेशन के बारे में हमने जो जिक्र किया, अरुणाचल का जो चैलेंजेस और यहाँ का जो खराब प्रैक्टिस, हम सबको पता है कि इलेक्शंस ड्यूरिंग इलेक्शंस टाइम में पहले तो जॉब का पूरा सौदा होता था कि मेरा परिवार में इतना वोट है, इस परिवार को ये नौकरी दे दो, ये वोट आपको दे देगा। तो ऐसे ही चलता था क्योंकि पहले सिस्टम नहीं था रिक्रूटमेंट का, इस तरह सा एक रोबस्ट एक सिस्टम नहीं था। तो मैं सोचा कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स डार्कनेस, अरुणाचल तो ये डार्कनेस की तरफ में बढ़ रहा है, बिकॉज आई पर्सनली मेरा जो ट्रस्ट है सिस्टम के ऊपर में ट्रस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग ही तो ड्राइव करेगा सिस्टम एंड यू आर द पार्ट ऑफ सिस्टम। अभी उसी सिस्टम में ही अभी हम लोग जो क्वालिफाइड नहीं है, जो लोग डिजर्विंग नहीं है, वो लोग को भर्ती कर देगा तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगा। गाड़ी तो अच्छा है मगर उसमें अगर पेट्रोल के जगह में पेट्रोल को केरोसिन के साथ में मिक्स करके डाल देगा तो गाड़ी तो आगे जाएगा नहीं, उल्टा इंजन सीज हो जाएगा, इंजन खराब हो जाएगा, गाड़ी बंद हो जाएगा। तो इसलिए हमने अपना MLS के साथ में चर्चा करते हुए 2008 में इसको लेके आया, और ओवर द ईयर्स जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से जो ट्रांसफॉर्मेशन आया और पब्लिक सर्विस कमीशन में भी बहुत सारा रिफॉर्म्स हम लोग ने करके लेके आया। तो आने वाला दिनों में अभी जो ऑफिसर्स और जो सपोर्ट ग्रुप है अपना सिस्टम में, वो अच्छे लोग भी आएंगे। बट आप लोग सीनियर हैं, आप लोग लीडर हैं, अभी जूनियर लोगों को भी आप लोग अच्छा से आप लोग गाइड करना चाहिए। सरदार पटेल ने जो आई थिंक मेड कैफे हाउस दिल्ली में जो फर्स्ट टाइम एड्रेस किया था सिविल सर्विसेज डे, तब से ही मनाना शुरू हुआ है। तो आप लोगों को तो डिजिनेट करता है, इसे टर्म दिया है कि यू आर द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। आप लोग पूरा देश का स्टील फ्रेम है, दैट मीन्स आप लोगों के ऊपर में बहुत ट्रस्ट है। आप लोगों के ऊपर में अभी बाहर की ताकत हो, अंदर की प्रॉब्लम हो, यू आर द स्टील बॉडी, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया का किताब आप लोगों को दिया गया है। सो अकॉर्डिंगली आप लोग उस किताब को मजबूत रखना चाहिए। आप लोगों का रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मैं तो ये प्रपोज करूँगा कि अपना अरुणाचली अरुणाचल्स के जितने भी जो ऑफिसर्स हैं, आप लोगों को टूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ ईटानगर में बैठ के हम लोग लोंगडिंग का प्रॉब्लम, अनिनी का प्रॉब्लम, अंजाव का होगा, सुबनसिरी का जो फॉरवर्ड एरियाज का हो गया, इस तरफ में तवांग का जो इंटीरियर्स का हो गया, कुरुमपुर में करादा जी का जो फॉरवर्ड एरियाज का जो प्रॉब्लम है, यहाँ बैठ के हम लोग विजुलाइज कर नहीं पाएगा। इसलिए आप लोग देखा होगा कि मैं टूर करता हूँ, हमेशा टूरिंग में रहता हूँ, पूरा नीचे एकदम सर्कल ऑफिस तक जाके अभी मैंने देखना शुरू किया है कि डेवलपमेंट वहाँ पर पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, हमारा ऑफिसर्स लोग वहाँ पर कैसे बैठा हुआ है, लोगों के साथ में लोगों का माइंडसेट क्या है वहाँ के लोगों का। सीनियर ऑफिसर्स को टूर करने से, क्योंकि आप लोग ही बैठ के चीज़ों को पुश करता है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाला दिनों में आई वांट टू सी दैट एवरीवन ऑफ यू ट्रेवल्स इनटू वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स, और उस डिस्ट्रिक्ट्स में जाके डीसी और रेस्पेक्टिव सर्कल ऑफिसर्स या ADC का सामने बैठ कर अपना डिपार्टमेंट का जो प्रोग्राम्स है उसको आप लोग पुश करना बहुत ज़रूरी है। ये राज्य को अगर आगे बढ़ना है तो रूरल इकोनॉमी प्लेस ए वेरी वाइटल रोल। अभी थोड़े देर पहले DCM साहब ने जो मार्गदर्शन दिखाया कि अपना एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में, तो हम लोगों का यहाँ पे फूटिल एरियाज में तो इतना अच्छा ज़मीन है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में, बहुत आगे हम लोग आगे जा पाएगा। जो माउंटेन एरिया है, जो हिल एरिया है, वहाँ पे जो टेम्परेट
फ्रूट्स वगैरह होगा, हॉर्टिकल्चर होगा, उसमें हम लोगों को ध्यान देना है। नरेश कुमार साहब जो चीफ सेक्रेटरी है हमारा, उनके लीडरशिप में हम लोग ने कहा कि इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGs को और भी मोटिवेट करके थ्रू SHGs थोड़ा रूरल इकोनॉमी को हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो अकॉर्डिंगली बजट में भी अभी SHGs के लिए भी काफ़ी प्रोविजंस रखा हुआ है। तो इस प्रकार से करके नाउ वी शुड फोकस ऑन चेंजिंग द डायनामिक्स ऑफ रूरल इकोनॉमी। हमारे यहाँ पे अभी प्रैक्टिकली मैं अभी बात भी काफ़ी बार कर चुका हूँ, अरुणाचल प्रदेश में देखिए हमारा अपना जो पॉपुलेशन है स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, करीबन 17 लाख का पॉपुलेशन होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो फ्रंटियर स्टेट है इसमें हमारा जो गार्डिंग फोर्सेस है आर्म फोर्सेस का, वहाँ से आर्मी और CAPF इतना अच्छा नंबर्स में प्रेजेंस है यहाँ पे। और उन लोग भी तो अपना खाना तो वो लोग भी खाते हैं, ड्यूटी तो बॉर्डर में होता है मगर खाना तो उन लोगों को भी चाहिए। तो वो लोग सब्जी जो है, सब्जी और फ्रूट्स वो लोग कहाँ से लेकर आता है, उनका जो एजेंट होता है वो बाहर से आसाम से लेकर आता है। और आसाम वाला कहाँ से लेके जाता है, वो यहीं से जो जो भी मिलता है ढूंढ के आसाम में लेके गया, आसाम वाला फिर उसको एजेंट को सेल करता है और फिर वापस वहाँ पहुँच जाता है। तो मैंने कहा अपना मार्केटिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन को कि इसको हम लोग एक सिक्योराइज करना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे यहाँ के जो फार्मर्स है आर्मी का जो नीड्स उसको यहाँ पे ग्रो करेगा, और अगर इफ़ नेसेसरी गवर्नमेंट भी उसको सब्सिडाइज में हम लोग सीड्स भी हम लोग दे देंगे फार्मर्स को। तो वहीं पे उगा के, बिकॉज अरुणाचल इज़ बाई डिफॉल्ट एन ऑर्गेनिक स्टेट, तो अपना फौजी के लिए उस उन लोगों का हेल्थ भी अच्छा रहेगा और फ्रेश वेजिटेबल्स और फूड सप्लाई मिलेगा। तो इससे अभी हम लोगों का काम जो है उस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत सारा फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है अंडर द डायनेमिक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उसको इम्प्लीमेंटेशन और उसका जो लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द लाइन जो अंत्योदया वहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, उसको भी हम लोग मैकेनिज्म अच्छा से आप लोग डिपार्टमेंट वाइज बेनिफिशियर हर एक डिपार्टमेंट का अपना बेनिफिशरीज लिस्ट आप लोग अपडेट करते रहिए, उसका सक्सेस रेट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हम लोग उस फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में कितना है, नहीं हो पा रहा है तो किस कारण से नहीं हो पा रहा है, वो डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स लोग आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहिए, मिनिस्टर्स को आप लोग मीटिंग में इनवाइट करके मिनिस्टर्स के साथ में उनको भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहिए। सो इस प्रकार से हम लोगों को स्टेट को आगे बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें डिजिटल जो है प्लेटफॉर्म इट विल प्ले वेरी बिग रोल। अभी हमको पता चला है कि शायद नॉर्दर्न यूरोप में एक तो कंट्री है इस्टोनिया, तो वहाँ पर वंस ओनली बोल के एक कॉन्सेप्ट है, वंस ओनली। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारा फ्लैगशिप प्रोग्राम्स और बहुत सारा चीज़ चलता है जिसे पब्लिक से हम लोग बहुत वैराइटीज ऑफ सर्टिफिकेट्स जो मांगते हैं, आज ये स्कीम के लिए वो सर्टिफिकेट्स फिर जमा करो, फिर दूसरा कुछ दूसरा काम के लिए फिर वही सर्टिफिकेट फिर दोबारा जमा करो। तो वहाँ पे एस्टोनिया में एक बार सरकार को डॉक्यूमेंट जमा कर दिया तो सरकार का रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि उस डॉक्यूमेंट्स को पूरा एंटायर डिपार्टमेंट को डिजिटल प्लेटफॉर्म में, ताकि वो पब्लिक को बार बार वो चीज़ जो सबमिट करते वो नहीं पड़े। इससे पता चलता है कि उसका उस कंट्री का 2% जो उसमें आई थिंक इकोनॉमी में कुछ सेविंग्स भी हुआ है वहाँ पर, इस तरह का एक सक्सेस रेट है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह का जो गुड प्रैक्टिसेस अभी हम लोग अभी जो इस्टोनिया में उस प्रकार का तो वंच गो में तो नहीं हो पाएगा, आई नो इट्स वेरी चैलेंजिंग, मगर इससे भी मतलब अच्छा जो प्रैक्टिसेस बाकी स्टेट्स में हो रहा है उसको हम लोग एडॉप्ट करना चाहिए, एडॉप्ट करके आप लोगों को अच्छा इनोवेशंस करके उसको आगे हम लोग बढ़ाना ज़रूरी है। तो इतना कहते हुए अभी जो गवर्नमेंट है हम सब का जो टीम अरुणाचल, यू आर वेरी मच पार्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट, तो आगे का जो फ्यूचर जो जर्नी है और बाकी डिक्लेरेशन जो क्लाइमेट रिजिलियंस के ऊपर में हम लोग ने डेलीब्रेशंस बाकी के संग में जो किया है बाकी रिजर्व में, वहाँ में जो 5 धारा इन अकॉर्डेंस टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स कमिटमेंट एट ग्लासगो, जो 5 अमृत का जो उन्होंने कमिटमेंट दिया है, उसी प्रकार से अरुणाचल इज द फर्स्ट स्टेट कि अपना यहाँ के जो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को बचाते हुए उसको जो आज एनवायरनमेंट को हम लोग एक चैलेंज के रूप में भी देख रहे हैं कि रिजर्व फॉरेस्ट बहुत सारा हो गया, ये हो गया, डेवलपमेंट में हैम्पर पड़ रहा है,
तो उस चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटीज में बदलने का भी काम हम लोग ने शुरुआत किया है। राजीव वर्मा साहब ने कार्बन सिंक के बारे में, कार्बन क्रेडिट के बारे में जिक्र किया है। अरुणाचल इज एन कार्बन सिंक स्टेट, तो उसका हम लोग का जो कार्बन एब्जॉर्बिंग जो कैपेसिटी है उसको हम लोग अभी मोनिटाइज किस प्रकार से करना है, इसके ऊपर भी एक्सपर्ट जो कंपनी है उसके साथ में भी हम लोग बातचीत शुरू कर दिया है। एंड फॉर द बेटर ग्रोथ और यहाँ के पब्लिक का भलाई के लिए, आप सबको पता है कि जो हमारा यूनाइटेड नेशंस ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो सेट किया है उस पैरामीटर में हम लोग ने काम करना शुरू कर दिया, ऑलरेडी शुरू कर दिया है। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस नामसाई में हुआ और जो भी अभी गवर्नमेंट का बजट भी हो इन अकॉर्डेंस विद द SDGs और अपना पाकेट डिक्लेरेशन को देखते हुए ही हम लोग आगे बढ़ रहा है। मंथली जो मीटिंग सिस्टम जो आप सबका कॉपरेशन से जो काफ़ी सक्सेस और ग्रास रूट लेवल में काफ़ी अप्रिसिएशन भी जो मिल रहा है, दैट इज़ द ई प्रगति मंथली जो हमेशा हम जो रिव्यू लेते हैं पूरे डिप्टी कमिश्नर्स और वहाँ की टीम ऑफ ऑफिसर्स के सामने बैठता है, दिस अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल। और इस मंथ का अप्रैल महीना का जो ई प्रगति है उसको मैं फिजिकल मोड में ले रहा हूँ, तवांग में 25 तारीख से शुरुआत होगा और जिसके लिए मैंने अपना नरेश कुमार साहब जो आज दिल्ली में ज्वाइन किया है चीफ सेक्रेटरी, उनको भी मैंने इन्वाइट किया कि ये क्योंकि उनको यहाँ से विदा भी करना है नरेश कुमार जी और अपना राजीव वर्मा जी को भी, तो चीफ सेक्रेटरी नरेश जी भी तवांग में आके एक दो दिन शायद वो भी साथ में अटेंड करेंगे, तो फाइनली वहाँ से आके यहाँ ईटानगर से तो जितने भी हमारा जो ऑफिसर्स है और हमारे MLAs है हम सब लोग मिलकर अपना दोनों चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जी और राजीव वर्मा साहब दोनों को यहाँ से हम लोग विदाई करेंगे। तो वंस अगेन आई एम वेरी होपफुल कि आज का जो नेशनल सिविल सर्विस डे के इस ओकेजन पर आप सब लोग अपना आपको फिर रीडेडिकेट करेंगे विद अ न्यू एनर्जी टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ आवर ब्यूटीफुल स्टेट, और इसी शुभकामना के साथ में आप सबको बेस्ट विशेज।